मैरिड चोर से मैंडेट चोर तक की कहानी। मरियम नवाज की क्या हैसियत? मुझे याद है, इसने कनेट कॉलेज में दाखिले के लिए नवाज शरीफ ने मीरा फैलबूस को कहा, हमारी प्रिंसिपल थी, कि आप इसको दाखिल करते। निकाह जी, हम तो मेरिट पे दाखिल करते हैं, इसका मेरिट बनता ही नहीं, हम कैसे इसको दाखिल करते। मीरा को निकाल दिया मुलाजमत। इस खातून का ताकुब करेगी जो खुद 894 वोटों से कप्तान के एक कारकुन से हारी हुई है। इसके अंदाजे सियासत और हुकूमत पर कोई संजीदा तबसरा क्यों कर मुमकिन है कि पूरा टब्बर ही सियासत के माथे पर एक कलंक है। नस्ली चोर, जेब तराश और फराडिये हराम के माल पर जिंदा और गंदगी और गलाजत को फख्र से सर पर उठाते हैं। झूठ, बददियानती, करप्शन, दो नंबरी, जालसाजी, खयानत और हर नौ की हरामकारी कज़ाकों के इसी खानदान की एजाद और इनकी मिरास है। बड़े मियाँ साहब मरहूम की मुकम्मल सरपरस्ती और रहनुमाई में इसका बाप जनरल ज़िया और जनरल जिलानी के जूते पालिश करके इस मसनद तक पहुंचा, जबकि इसके चचा ने बाजवा और कंपनी के जूते चमकाकर चेरी ब्लॉसम का आफाकी खिताब कमाया। अवाम ने इस पूरे टब्बर को मुस्तरद किया, मगर निजाम में बाजवे की बाकियात इनके इश्के हराम में मुब्तला है। चुनाचे स्पीकर की कुर्सी पर जबरदस्ती एक टाउट बिठाकर अजनबियों, हारे हुए गुमाश्तों से भरे एक नामुकम्मल ऐवान से लाठी और बंदूक के साए में कैलिबरी की मौजिद कतरी खतूत की इस मुजरिम सिर्फ मुसन्नफा को मस्तद थमाई गई है। बादशाह ही सदा सोने रब की है और हिकमत और तदबीर का भी वो तनहा मालिक है। तख्त को जिल्लत और रुसवाई का वसीला बनाता, अकूबत और जिंदान के बेगुनाह बासियों के लिए शर्फ और मकाम और इज्जत और अजमत के दरवाजे खोलता। अपनी ज़मीन नमरूद और फिरौन के रहम व करम पर छोड़ता तो इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र क्यों कर बाकी रहता और तख्त व ताज जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरों में कैसे गिरते। तब्दीली अय्याम और गर्दिश शम्स व कमर उसकी हाकमियत की रोशन दलील हैं। वो शर से खैर बरामद करता है और अपनी ज़मीन को फसाद से भरने वालों को महशर से पहले इसी ज़मीन पर निशान इबरत बनाता है। जनाबे हमजा रजी अल्लाह उन्हों का कलेजा चबाने वाली हिंदा हो या जाती उम्रा के कज़ाकों की दस्तूर शिकनों को महबूब दुख्तर, सभी को उसने पेशानी के बालों से थाम रखा है। मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, उसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम है। जब तक नशिस्त पर बैठेगी परेशान बैठेगी और जब गिरेगी मुंह के बल गिरेगी। जुबान खल्क नक्कारा एक खुदा तसव्वुर की जाती है और नक्कारा बच चुका है। जाम भी जल्द सामने आ जाएगा, एक जरा सब्र के अपनी आंखों से देख लोगे इंशाल्लाह।